नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल SG क्लासेस के YouTube के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो टॉपिक हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझा। जो जो कंटेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे वो है बेसिक्स, कंसेप्ट्स, प्रैक्टिस, डेटा सफिशेंसी ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, हमारी शीट में लगभग 250 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और जो यहाँ कराए जाएंगे वो अलग है, बाकी जिनके पास शीट्स हैं वो शीट में अपने क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, हैश टैग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब भी मैं हैश टैग आपको कहूँ या हैश लिखूँ, इसका मतलब है आपको वीडियो को पॉज करना है। क्यों करना है आपको वीडियो को पॉज? बहुत सिंपल है, जिससे कि मैं जो भी कैलकुलेशन कहूँ वो आप खुद कर सकें, उसके बाद में सेल्फ चेक कर सकें, और दूसरी खास बात, इससे आपकी वीडियो की डाउनलोडिंग आगे बढ़ती जाएगी, आगे चल के आपका वीडियो बफर नहीं करेगा। दोस्तों, हैशटैग है, आप वीडियो पॉज करके पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिएगा, बहुत आसान है। साझेदारी क्या? पार्टनरशिप में कैपिटल इंटू टाइम, जितना समय हो जितना पूंजी हो उनको गुणा कर दो, उनका जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट लॉस का रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और पहले क्वेश्चन में मैंने देखा कि ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 25,000 रुपये, तो ये मैंने लिखा ए और ये मैंने लिखा 25,000। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स की खास बात क्या है? ये फर्स्ट शॉर्ट नोट है कि जब भी आप हज़ार लिखें, हज़ार को आप 3 जीरो ना लगाएं, आप क्या करें उसकी जगह 25,000 नहीं लिख करके 25K लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 25K। जिनको नहीं मालूम हो उनकी जान के अगले बता दूं, के स्टैंड फॉर किलो। किलो का मतलब होता है 1,000, तभी तो हम बोलते हैं एक किलो वाट। 1 किलो वाट, किलो वाट मतलब 1,000 वाट। 1 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम। 1 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर। तो ए ने लगाए 25,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। दोस्तों, सी इन टू टी इस तरह लिख लीजिए, 4 लिख दिया। बी ने लगाए 16,000 रुपये 5 महीने के लिए। सी ने लगाए 10,000 रुपये वर्ष भर के लिए। दोस्तों, दूसरा स्टार नोट, दोस्तों बता दूँ स्टार नोट का मतलब है जो सभी के सभी चैप्टर्स में काम आएंगे। दोस्तों, स्टार नोट का मतलब सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी आपको मेंटेन रखनी है। सिमिलैरिटी क्या होती है अभी समझते हैं कि देखिए, मैंने जो ए का समय लिखा वो महीनों में लिखा, बी का समय लिखा वो भी महीनों में लिखा, तो जो सी का समय लिखूंगा ना वो वर्ष भर के लिए नहीं लिखूंगा, एक नहीं लिखूंगा, इसको भी महीनों में लिखूंगा, ये सिमिलैरिटी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 12। दोस्तों, जो भी सी इंटू टी आएगा और जो उनका रेशो होगा वही हमारा प्रॉफिट लॉस का रेशो होगा। दोस्तों, हैशटैग है, आप इसे पॉज करके मल्टीप्लाई करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों, पहले तरह का विद्यार्थी वो होगा जो इसे इस तरीके से सॉल्व करेगा जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 100,000, 80,000 और फिर 120,000, फिर वो हज़ार से हज़ार और जीरो से जीरो काटना शुरू करेगा और बाद में 10, 8 और 12 को काट के लिखेगा 5, 4 और 6। यानी दोस्तों, ए बी सी के जो प्रॉफिट का रेशो हुआ वो हुआ 5:4:6, और इस लाइन का मतलब हमेशा होगा टोटल 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो हम ए बी सी का जो भी प्रॉफिट बांटेंगे वो किस रेशो में बांटने वाले हैं? बिल्कुल सही है, 5, 4 और 6 के रेशो में बांटने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर बिल्कुल सही गया होगा। दोस्तों, दूसरा तरीका, मैंने दूसरे तरह की भी बात करी कि इसे और जल्दी किया जा सकता था, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करें ही करें। दोस्तों, ये अगर पहले ही कर सकते हैं, आप इन्हें काटने की कोशिश करें। देखिए, हज़ार से हज़ार डायरेक्ट कट रहा है बिल्कुल इजीली। अब देखिए, तीनों आपस में किससे कट सकते हैं? देखिए, ये 5 से कट रहा है लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो कुछ स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, कैपिटल कटे या टाइम कटे, मल्टीप्लाई तो दोनों ही होने ना, तो चाहो तो कैपिटल को काट लो, चाहो तो टाइम को काट लो, कुछ भी हो, तीनों किसी सेम नंबर से कटने चाहिए। देखिए, ये तीनों सेम नंबर 5 से कट रहे हैं, इसको मैं 5 से काटो तो 5 बार, इसको 5 से काटो तो 1 कट गया, इसको 5 से काटो तो 2 आ गया।
इसके बाद मेरा मन नहीं भरा, मेरे को लगा देखो चार से और कट रहा है, तो देखो चार एकम चार पूरा कट गया, जरूर नहीं ये कटे, कैपिटल भी कट सकता है। 16 कटेगा चार से चार बार और 12 कटेगा तीन बार। जब मुझे लगे कि कटना पटना बंद हो गया है, घिचपिच हो गया, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो पाँच का पाँच, चार का चार और तीन दूनी छः, तो मेरा रेशो जल्दी आ सकता है 5:4:6, यानी टोटल हो गए 15। और अगर एक बार मैंने ए बी सी का रेशो प्राप्त कर लिया तो फिर मैं चाहूँ जो निकाल सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे समझते हैं, अब अगर मुझे इसी क्वेश्चन के बाकी मुझे इसी क्वेश्चन को लेकर के बाकी और चीज़ें समझनी है, तो एक बात तो खुलकर के सामने आ गई कि ए बी सी का प्रॉफिट किस रेशो में है। ए बी सी का प्रॉफिट है 5:4:6 के रेशो में, इसका मतलब है टोटल। दोस्तों अभी तो हमने केवल रेशो ही निकाला था, आगे समझते हैं इन तीनों को अलग अलग कितने कितने रुपए का लाभ मिलेगा ये हमें बताना है। दोस्तों जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको मालूम है रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल तीन तरीके होते हैं, तीनों तरीके मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पहला तरीका होता है इक्वेशन बना लो, दूसरा तरीका होता है रेशो वर्सेस शेयर, और तीसरा तरीका होता है यूनिट सिस्टम। दोस्तों ये जो यूनिट सिस्टम होता है ये मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है। जैसे ए को अगर 5 रुपये का प्रॉफिट है, बी को 4 रुपये का, सी को 6 रुपये का, तीनों को मिलाकर के 15 रुपये का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो हुआ 60,000 रुपये का हुआ, तो ये 60 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 15 = 60,000। मैं यहाँ 60,000 को बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं 60,000 को मैं 60K लिख सकता हूँ, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो गई 60,000, यानी 15 वस्तु आती है 60,000 रुपये की, तो एक वस्तु कितने की आई, 4,000 रुपये की, बिल्कुल सिंपल है। तो बताओ ए का प्रॉफिट कितना हो गया, दोस्तों उम्मीद करता हूँ हैशटैग अपने आप निकालें, वेरी गुड। ए का प्रॉफिट हो गया 20,000, बी का प्रॉफिट हो गया 16,000 और सी का प्रॉफिट हो गया 24,000। दोस्तों ये हमारा ए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि ए और बी का संयुक्त लाभ बताओ, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, 20 और 16 को जोड़ दो 36, पर दोस्तों मैं ये तरीका प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले 20,000 निकालने में समय लगेगा, 16,000 निकालने का समय लगेगा, फिर जोड़ने का समय लगेगा। आप तो यूनिट सिस्टम के ऊपर ही चले। यूनिट देखिए हम निकाल चुके हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4,000, तो ए और बी मिला के कितने यूनिट है, 9 यूनिट है, तो 9 × 36,000, बिल्कुल सिंपल। मान लो सी क्वेश्चन पर आए कि ए और सी का अंतर बताओ, या ए को सी से कितने रुपए कम लाभ मिला, तो आप पहले यूनिट में निकालें, ए और सी का अंतर एक यूनिट है और हम जानते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड 4,000। डी क्वेश्चन, सी को बी से कितने रुपए अधिक लाभ मिला, देखो सी और बी का अंतर कितने यूनिट है, 2 यूनिट, हम जानते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8,000। दोस्तों ए और बी को संयुक्त तौर पर सी से कितने रुपए अधिक लाभ मिला, व्हाट मोर प्रॉफिट डिड ए एंड बी कंबाइंड गेट मोर देन सी, तो पहले ए और बी को जोड़ लेते हैं, 9 यूनिट होता है, उसमें से सी 6 यूनिट घटा देंगे, तो 9 में से 6 गए तो 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, वेरी सिंपल 12,000। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही इस चैप्टर का बेसिक है, कैपिटल इंटू टाइम का जो भी रेशो आएगा वही हमारे प्रॉफिट लॉस का भी रेशो होगा। दोस्तों आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगेन स्टार्टिंग से ही हैशटैग, इसका मतलब आप वीडियो पॉज करें और स्वयं कर, आप तो वीडियो पॉज नहीं कर रहे हो, चलो इसका मतलब आप वीडियो पॉज करें, स्वयं करने की कोशिश करें। चलो बैक टू द वर्क, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कर लिया होगा। देखिए ए ने कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपये 8 महीने के लिए, बी ने लगाए 20,000 रुपये 3 महीने के लिए, और सी ने 15,000 रुपये पूरे साल भर के लिए। दोस्तों वो जो मैं लिख रहा था के वो मैंने पहले ही काट दिया, अब हम क्या करेंगे, इनको फटाफट से काट सकते हैं, वेरी गुड, काटना शुरू कर दीजिए।
देखिए ये तीनों कट रहे हैं पाँच से, पाँच से दो बार, पाँच से चार बार, पाँच से तीन बार। अब ये सब कट रहे हैं चार से, चार से एक बार, चार से दो बार और चार से चार बार। और किससे कट रहे हैं? चार से तीन बार कटेगा ये, बिल्कुल सही। दो दूनी चार, तीन एकम तीन और ये नौ। टोटल होना चाहिए दोस्तों 16। देख लीजिए, 4 यूनिट, 3 यूनिट और 9 यूनिट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए और बी बिल्कुल सही है। ए बी सी का रेशियो 4 यूनिट, 3 यूनिट और 9 यूनिट, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? 16। दोस्तों प्रॉफिट आपको बांटना आता ही है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमें जो हिंट दिया था वो टोटल प्रॉफिट 60,000 का दिया था। इस बार जो हिंट हमें दिया है ना वो देखिए क्या है कि सी का लाभ 18,000 है। जरूरी नहीं कि हमेशा अपने को तीनों का ही प्रॉफिट दिया जाए। देखिए इस बार मुझे सी की यूनिट से तुलना करी गई है, मुझे 9 यूनिट किसके बराबर दिया जा रहा है? 18,000 के बराबर। बताओ 9 वस्तु अगर 18,000 रुपये की है तो एक वस्तु, वेरी गुड, 2,000 रुपये की है। मुझे किसका एक का लाभ बताना है? ये है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब 8,000। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि अब देखो पहले जो मेन क्वेश्चन में हिंट था, पहले क्वेश्चन में वो क्या था? टोटल ऑफ प्रॉफिट दिया था 60,000। इस बार जो हिंट दिया है वो केवल सी का प्रॉफिट दिया है। इस बार ए और बी के अंतर को दिया है 2,000 रुपये। कोई बात नहीं, हम ए और बी का अंतर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ए और बी का अंतर कितने यूनिट है? 1 यूनिट। दिखाई पड़ रहा है साफ? नहीं दिखाई, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। ए और बी का अंतर है 1 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है कितनी? 2,000। तो बड़ा आसान काम हो गया, 1 यूनिट बराबर 2,000। अब मुझे बताना क्या है भैया? मुझे सी का लाभ बताना है। सी कितने यूनिट है? 9 यूनिट। 9 यूनिट का मतलब हो गया 18,000। क्लियर है दोस्तों? अच्छा ये नीचे वाला पोर्शन दिखेगा नहीं स्टूडेंट को। यूँ दोस्तों जिन्हें भी कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिन लोगों के पास शीट है उनको बता दूं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। पी 40,000, दोस्तों हैशटैग आप समझते ही हैं, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। पी ने लगाए 40,000 रुपये, 6 महीने बाद क्यों आया? इस बात का विशेष ध्यान रखना, 6 महीने बाद क्यों आया। देखिए हम क्या करेंगे, हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्वप्रथम उसे शॉर्ट में कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों ये नोट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट वन। नोट वन का मतलब है केवल पार्टनरशिप के लिए ही है। तो समय को लेके तीन तरह की लैंग्वेज आएगी। पहला के लिए, तो जितने महीने के लिए लिखा हो बहुत सिंपल है, उतने महीने को मल्टीप्लाई कर देना होता है, जैसा कि बाकी सब क्वेश्चन में लिखा था। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि ए इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 4 मंथ्स, 4 मास के लिए लगाए। देखो बी ने 5 मास के लिए लगाए, सी ने वर्ष भर के लिए लगाए। के लिए यानी फॉर 4 मंथ्स, फॉर द कंप्लीट ईयर। दोस्तों एक लैंग्वेज तो किया थी, यही लैंग्वेज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लैंग्वेज यही है कि 8 मास के लिए, 3 मास के लिए, वर्ष भर के लिए, फॉर फॉर फॉर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पी ने 40,000 लाकर व्यापार शुरू किया है, ये नहीं पता कितने महीने के लिए पैसे लगाएं। तो पहला नोट तो समय को लेकर के, एक तो आता है के लिए और एक आता है के बाद। एक लैंग्वेज और आती है वो भी आपको समझाने पर लिखाएंगे, के बाद मतलब आफ्टर। तो ये के बाद आफ्टर, देखिए 6 महीने के लिए क्यों नहीं आया, 6 महीने बाद आया। एक और नोट हमारे काम आएगा यहाँ पर, अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, पूरे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को 1 साल का मान के चलते हैं। ध्यान रखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन 1 साल 1 वर्ष का मानकर ना चले। कई बार स्टूडेंट करता है कि ठीक है मैं तो क्वेश्चन को 1 साल मान लेता हूँ, हर क्वेश्चन 1 साल का होता है। नहीं भाई, हर क्वेश्चन 1 साल का नहीं होता है, हर कपूर रणवीर नहीं होता है, हर क्वेश्चन 1 साल का नहीं आएगा। पी, मैं लिखा पी कि पी ने लगाए साहब 40,000 रुपये, तो मैं केवल पी की कैपिटल लिख रहा हूँ 40,000 रुपये, समय मैंने खाली छोड़ दिया।
क्यू आया 6 महीने बाद, तो मैं यहाँ नोट लिख दूंगा ऊपर -6। -6 मतलब मैं क्वेश्चन को दो बार नहीं पढ़ूंगा। आफ्टर क्यू आफ्टर 6 मंथ्स वेज ₹50,000, तो बस मैंने क्यू की कैपिटल लिख दी 50,000। अब बात करते हैं आर की। आर आया कितने महीने बाद, 8 महीने बाद, तो यहाँ -8 लिख देंगे। और रुपए लेकर आया 60,000, तो मैंने 60,000 लिख दिए। सम्मिलित हो जाता है। अब मुझे मालूम पड़ा 1.5 वर्ष के अंत में, देखो मैंने बताया हर क्वेश्चन को 1 साल का मान के नहीं चलना, ये क्वेश्चन है दोस्तों 1.5 साल का। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था सिमिलरिटी का, और पार्टनरशिप में सिमिलरिटी चलती है टाइम के फॉर्म में। तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, और आधे साल में होते हैं 6 महीने, 12 और 6 18 महीने का ये क्वेश्चन है। तो पी के लिए तो दोस्तों पूरे 18 महीने, क्योंकि देखो पी ने तो व्यापार की शुरुआत करी। क्यों, चूँकि 6 महीने बाद आया, तो 6 माइनस कर दो तो बचे 12 महीने, और आर के 8 महीने माइनस कर दो तो बचे 10 महीने। बस मल्टीप्लाई करके आप इनका रेशियो निकाल दीजिए। हैशटैग समझते हैं आप, वेरी गुड। पॉज करें वीडियो को, निकालें, उम्मीद करता हूँ निकाल लियोगे अब तक। ये 0 और 1000, 0 और 1000 तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये तीनों के तीनों नंबर आपस में 6 से कट रहे हैं, 6 से कट रहा है 3 बार, 6 से कट रहा है 2 बार, और 6 से कट रहा है 1 बार, और कट रहे। चलिए गिच पे जाएगा बाद में देख लेंगे। 12:10:10, यस 6:5:5, और टोटल ऑफ इनोट आ गए इनके 16। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने इतना ही पूछा है कि इन व्हाट रेशियो विल प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस अनुपात में बांटा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक बार जब आप रेशियो निकाल लेंगे तो फिर तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाना है। वेरी गुड, एक और क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों वीडियो पॉज कर लें और स्वयं करने की कोशिश करें, उम्मीद करता हूँ अब तक कर लिया होगा। देखिए ए ने लगाए और बी ने लगाए, प्रत्येक ने 10,000 और 10,000 रुपये, किंतु 6 महीने बाद पी साझा छोड़कर चला गया। दोस्तों प्रीवियस स्लाइड पर आते हैं, मैंने आपको समय के लिए 3 पॉइंट बताए थे। एक आता है के लिए रहा, एक आता है के बाद आया, और एक होता है के बाद गया। अब अंग्रेजी में भी लिख देते हैं के बाद गया, आफ्टर। तो एक तो होता है केम आफ्टर, एक होता है वेंट आफ्टर। जैसे जो के लिए रहा का मतलब है वही वेंट आफ्टर का मतलब है, के बाद गया। बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैंने व्यापार शुरू किया, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए मैंने व्यापार शुरू किया, चलिए व्यापार की बात छोड़ते हैं, अपन कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं। एसजी क्लासेस पे जो कोर्स होता है वो पूरे 1 साल का होता है, 1 साल का पूरा सिलेबस चलता है। मान लो कोई बच्चा पहले दिन से पढ़ रहा है, तो जो पहले दिन से पढ़ रहा है उसने कितने महीने के लिए पढ़ाई करी, पूरे 12 महीने के। एक और विद्यार्थी है अभी, वो भी पहले दिन से पढ़ रहा है, उसने भी कितने महीने के लिए पढ़ाई करी, 12 महीने के लिए। अब एक और विद्यार्थी है सी, जिसने कोर्स ज्वाइन किया 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद वो आया है, 1 महीने बाद वो आया है, तो इसका मतलब आया कितने महीने के लिए, वेरी सिंपल 11 महीने के लिए। एक और विद्यार्थी उसके पड़ोस में बैठा है डी, जो डी है वो क्या है, वो 2 महीने बाद आया। अब बताओ 2 महीने बाद आया तो रहा कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। उसके पड़ोस में एक और विद्यार्थी बैठा है ई मान लो पहले दिन से आ रखा है, पहले दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो बताओ कितने समय के लिए उसने पढ़ाई करी। जनरली आप कहेंगे 12 महीने के लिए, परंतु ये भी तो हो सकता है कि लिखा हो 8 महीने बाद चला गया, वो अपनी कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके कॉलेज एग्जाम आ गया और चला गया। तो अल्टीमेटली जब 8 महीने बाद चला गया तो पढ़ा कितने महीने, वेरी सिंपल 8 महीने पढ़ा। हो सकता है एक और स्टूडेंट एफ हो, जो 3 महीने बाद आया, और 3 महीने बाद आया और उसने पूरा कोर्स करा, तो वो तो 9 महीने के लिए पढ़ा। और एक विद्यार्थी ऐसा भी तो हो सकता है जी, जो 3 महीने बाद आया नहीं, 3 महीने बाद चला गया, आया तो पहले दिन से था पर 3 महीने बाद वो पढ़ाई करके चला गया, उसको कोई ज़रूरी काम आ गया, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तो कुल मिलाकर के उसने पढ़ाई करी 3 महीने। दोस्तों ये समय निकालने के लिए एग्जामिनर बार बार लैंग्वेज घुमा के देता है। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। वापस आते हैं प्रीवियस स्लाइड पर। मैंने बात करी कि
के लिए रहा या फिर के बाद गया, कुल मिला के जितने महीने के लिए व्यापार में रहा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, और के बाद आया इसके लिए हम छोटा नोट बना देंगे, ऐसे माइनस लिख देंगे, इसको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। विशेष ध्यान रखें, हमें प्रश्न को एक साल का मानकर नहीं चलना है। चलिए वापस आते हैं। तो 6 महीने बाद बी साझा छोड़कर चला गया, आया नहीं है, तो बी का टाइम तो फिक्स निश्चित हो गया 6 महीने है। उसके स्थान पर उसके छोड़ने के 9 महीने बाद, उसके छोड़ने के 9 महीने बाद मतलब बी ने कब छोड़ा, 6 महीने बाद, और उसके भी 9 महीने बाद, यानी टोटल 15 महीने बाद सी आया है। लैंग्वेज में कन्फ्यूज मत होना, स्पष्ट लिखा है उसके छोड़ने के 9 महीने बाद। उतनी ही पूंजी, कितनी पूंजी, जितनी बी ने लगाई थी, यानी 10,000 रुपये साझेदार बन गया। लिखा है आफ्टर नाइन मंथ्स व्हेन ही लेफ्ट विद सेम कैपिटल। तो देखो ये कैपिटल हो गई तीनों की, ये टाइम हो गया। अब मैंने बताया क्वेश्चन को एक साल का तो मान के चलना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन कितने साल का है, 2 साल का है। तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो ए के लिए पूरे 24, बी के लिए केवल 6, और सी के लिए 24 में से 15 गए तो 9, ये 10 10 10 सब हो गए कैंसिल। आप हैशटैग दोस्तों वीडियो पॉज करके अपना आंसर अपने आप निकालें। 8:2:3 और टोटल ऑफ यूनिट्स हो जाएगा 13। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर बिल्कुल सही गया होगा, पुनः एक बार चेक कर लें। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। शीट जिनके पास शीट है उनमें क्वेश्चन संख्या 9 है। ये ए और बी ने, देखिए पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है, हैशटैग पॉज करें अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। ए और बी ने प्रत्येक ने 10,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, 3 महीने बाद बी साझा छोड़कर चला गया, इसके 3 महीने हो गया काम खत्म। उसके स्थान पर 7 मास बाद उतनी ही पूंजी, देखिए 7 मास बाद, किसके 7 मास बाद, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बी के 7 मास बाद बिल्कुल नहीं लिखा है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था उसके छोड़ने के 9 मास बाद, व्हेन ही लेफ्ट, आफ्टर 9 मंथ्स व्हेन ही लेफ्ट, उसके छोड़ने के 9 मास बाद, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसमें सिंपल लिखा है आफ्टर 7 मंथ्स। तो जब भी ये सिंपल लिखा होता है हमेशा इनिशियल स्टेज से काउंट होता है, यानी व्यापार प्रारंभ होने से काउंट होता है। सी साझेदार बन गया वर्ष के अंत में, देखो इस बार क्वेश्चन एक साल का ही है, अब बताओ एक साल में कितने महीने, 12, तो ए के तो हो गए 12, बी के हो गए 3, और सी के 7 गए तो बचे 5, ये सब के सब कैंसिल हो गए, ये और से ज़्यादा कटते नहीं है, 12:3:5 टोटल ऑफ रेशो हो गया 20। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको एज इट इज परफेक्शन से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 आएगा। दोस्तों हैशटैग प्रश्न संख्या 10 सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ तक इसके ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ए ने कुछ रुपए लगाए, तो मैं कुछ रुपए को 1 रुपया मान सकता हूँ, और मैं इसको एक्स रुपये भी मान सकता हूँ। जो लोग एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करते हैं उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए ने एक्स रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, बी 6 महीने बाद डबल रुपये लेके आ गया, तो यहाँ -6 लिख दिया। देखो 6 महीने बाद गया नहीं है, 6 महीने बाद आया है, तो हम माइनस कर देंगे जो भी टोटल महीने होंगे। तो अगर दुगने रुपए लाया तो 1 के दुगने 2, और या फिर x के दुगने 2x, और c 3 गुने राशि का निवेश 8 महीने बाद करता है। तो ये c किसी के छोड़ने के 8 महीने बाद नहीं लिखा है, किसी के आने के 8 महीने बाद नहीं लिखा है, तो हम व्यापार के प्रारंभ से मानेंगे 8 महीने बाद। 3 गुने राशि तो x का 3 गुना 3x होता है, और 1 का 3 गुना 3 होता है। अब दोस्तों मज़ेदार बात क्या है, यदि अंतिम लाभ 27,000 रुपये हो, देखिए इफ़ द फाइनल प्रॉफिट बी ₹27,000 सी शेयर, भाई साहब पूरे क्वेश्चन में टाइम तो दिया ही नहीं है, मैंने बेसिक क्या बताया आपको, पार्टनरशिप का बेसिक है कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। हो सकता है पहले मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखा था, अब ध्यान रख ले, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये बेसिक कंटेंट है। अब इस पूरे क्वेश्चन में कैपिटल तो मुझे दे रखी है, पर टाइम गायब ही नहीं है। अब मेरे कुछ होनहार विद्यार्थी विद्वान लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको लिख के समझाया था,
पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक साल का मान के चलते हैं, वो अधिकतर क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ पार्टनरशिप के क्वेश्चन को एक साल का मान के नहीं चलना है। देखें इस क्वेश्चन पर कहीं पर भी क्वेश्चन में एक साल लिखा है क्या, आप आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज कर ले, बहुत आराम से पढ़ें, कहीं पर भी नहीं लिखा है। दोस्तों इसका मतलब है कि कैपिटल तो मुझे इन तीनों की मालूम पड़ गई, पर टाइम तो मुझे इन तीनों का पता ही नहीं पड़ा, तो जब टाइम पता नहीं पड़ा तो मैं मेरा आंसर क्या करूँगा, सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, हमारा आंसर आएगा सी एंड डी। या फिर डेटा इनसफिशियंट भी लिखा था एसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम में, डेटा अपर्याप्त। क्या डेटा अपर्याप्त है, डेटा ये अपर्याप्त है, आपने टाइम तो बताया ही नहीं ना, गुड सही कर देंगे आपके क्वेश्चन। अब देखिए मज़ेदार बात क्या शुरू होती है कि एग्ज़ाम में मान लो ऑप्शन ये नहीं आकर के ऑप्शन ही आ गए, पहला ऑप्शन 9000 का 9000, दूसरा ऑप्शन 8000 का 8000, तीसरा 7 का 7, चौथा सी एन डी नहीं आकर के क्या आ गया, 12000 आ गया। दोस्तों ध्यान रखें जब हम क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्शन से करते हैं और हमारा आंसर सी एन डी आ रहा है तो सी एन डी ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए, अगर सी एन डी अवेलेबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मजबूरी। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, मजबूरी। मजबूरी का मतलब है अब हमें कॉमन सेंस पे जाना पड़ेगा। देखिए मैं जितनी बार भी 10वां क्वेश्चन सॉल्व करूँ बात यही रहेगी, कैपिटल 1, 2, 3 के रेशो में आएगी, चाहे आप 1, 2, 3 मानो, x, 2x और 3x मानोगे तो भी कट के 1:2:3 आएगी, लेकिन जब तक मुझे टाइम गिवन नहीं होगा मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन में सी एन डी अवेलेबल है तो हम क्या मार्क करेंगे, सी एन डी। दोबारा ये क्वेश्चन एग्जाम आया, दोबारा हम सी एन डी करेंगे, तीसरी बार ये क्वेश्चन एग्जाम आया, तीसरी बार सी एन डी करेंगे, चौथी बार आया, चौथी बार सी एन डी करेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार सी एन डी करेंगे। लेकिन फर्ज करो, मानो कि एक एग्ज़ाम में क्या हुआ, एक एग्ज़ाम में ये सी एन डी ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं था। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, एग्जामिनर ये जांचने की कोशिश करता है कि आप कितनी तैयारी करके आए हो, आपको कितना ज्ञान है। तो दोस्तों ध्यान रखें पार्टनरशिप में मजबूरी का मतलब है क्वेश्चन को एक साल का मानना, तो हम क्या करेंगे, मजबूरी में पूरे क्वेश्चन को एक साल का मानेंगे या लिखेंगे 12 महीने, क्योंकि ये शुरू से आया, 6 महीने कम कर दो, 8 महीने कम कर दो। देखो 12 एकम 12, 6 दुनी 12, 3 चौक 12, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 और टोटल यूनिट हो गए 3। अब देखिए तीनों क्योंकि सेम प्रॉफिट है, 1:1:1, तो तीनों का प्रॉफिट 27000 बराबर बराबर होगा, 9000 9000 और 9000, तो मुझे किसी का भी प्रॉफिट पूछा हो सेम होना है और मैं मेरा आंसर फर्स्ट ऑप्शन कर दूंगा। दोस्तों पुनः एक बार समझ लें, अगर ऑप्शन ये वाले आए तो 9000 गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन में सी एन डी अवेलेबल है, जब तक सी एन डी अवेलेबल है हम सी एन डी करेंगे। अगर हाँ, अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन होता तो फिर सीधा आंसर 9000 है, पर टाइम गिवन नहीं है तो हम आंसर सी एन डी करेंगे। समझ लीजिए एक बार, टाइम गिवन नहीं है, टाइम नॉट गिवन, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी एन डी होगा। अब अगर सी एन डी नॉट अवेलेबल होगा तो हम मजबूरी में क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक साल का मान लेंगे, या फिर बेस्ट क्या हो, क्वेश्चन में टाइम गिवन हो, जब क्वेश्चन में टाइम ही गिवन होगा तो सारी बात ही खत्म होगी, फिर तो अपना आंसर आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। देखिए पार्टनरशिप में क्वेश्चन केवल प्रॉफिट के ही नहीं आते हैं, लॉस भी हो सकता है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, हैशटैग का मतलब जानते हैं, फेम करने की कोशिश करें, गुड उम्मीद करता हूँ अब तक कर लिया होगा। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 15 महीने तक 12 बैल चलाता है, तो देखिए ए का जो समय है वो तो 15 महीने हो गया और 12 जो बैल है वो इसकी कैपिटल हो गई। ऐसे ही बी 6 महीने तक 20 बैल चलाता है, ये 20 × 6। दोस्तों आप सबको रेशो निकालना आता है, हैशटैग अगेन स्वयं निकालें, वेरी गुड। 6 से कटा 2 बार, 6 से कटा 1 बार, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार और 2 से कटा फिर 2 बार। दोस्तों फाइनल रेशो आएगा 3:2 और टोटल ऑफ यूनिट्स हो जाएगा 5, यानी जो भी खर्चा होगा वो 3:2 में बांटा जाएगा, जिसे आप आसानी से बांट सकते हैं। मुझे ए का किराया बताना है, 5 यूनिट किसके बराबर है, 75 के, तो एक यूनिट की वैल्यू हुई 15 और 3 यूनिट की वैल्यू हुई 45 रुपये। बी पूछा जाता तो 30 रुपये आंसर आ जाता,
दोस्तों खर्चे वाले भी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं खर्चे वाला ही। दोस्तों हैशटैग का मतलब आप सब जानते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पॉज करके स्वयं ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। अच्छा क्वेश्चन टाइप, सब क्वेश्चन टाइप बी हो गया क्या? अच्छा हो गया, सब क्वेश्चन टाइप सी चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई देखो, ए दो बल्ब चलाता है कितने वाट के? 100 वाट के। बी तीन ट्यूबलाइट चलाता है कितने वाट की? 40 वाट की। जबकि सी चार एलईडी चलाता है 20 वाट की। अब कि देखो, ये तो हो गया क्वांटिटी, ये हो गया इनके वाट, इसमें ये नहीं लिखा है कि कितने कितने घंटे के लिए चलाते हैं, तो प्रश्न में आगे कहीं ना कहीं दिया होगा हीरा। यह माना कि तीनों बिजली का प्रयोग का समय बिल्कुल बराबर है। बस दोस्तों मल्टीप्लाई करें, रेशो निकाल लें, हैशटैग, वेरी गुड। ये जीरो 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 सब आपस में कट रहे हैं, ये दो से दो बार और ये दो से एक बार, 10, 6 और 4 और कट जाएगा 5:3:2, तो टोटल यूनिट्स हो गए 10। तो जो भी तीनों का पैसा होगा वो 5, 3 और 2 के यूनिट में कट जाएगा। हमें कुल बिल दे रखा है बिजली का 300 रुपये, 10 यूनिट बराबर 300 रुपये, यानी एक यूनिट की वैल्यू 30। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 हुई तो ये 150 हुआ, ये 90 हुआ और ये 60 हुआ। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए ये वीडियो दोस्तों यहीं तक है। इस वीडियो में हमने केवल बेसिक्स की बात करी, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं उसे आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसमें जो आपका होमवर्क है, जो स्टूडेंट का शीट है, उनका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 23। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 23, यहाँ तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो आप बहुत अच्छे लिख रहे हैं, इन्हीं से हमें प्रोत्साहन मोटिवेशन मिलता है और आपका प्रोत्साहन ही हमारे लिए सब कुछ है। वीडियो में कुछ भी कमी लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइएगा, उसे जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जब हम आपके लिए इतनी लंबी चौड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे वीडियो बना रहे हैं, बेस्ट मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो ये कमेंट करने में आपका क्या जाता है? आप बताइए आपको कैसा लगा, बताना आपका दायित्व है, बताना चाहिए आपको। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जब सब्सक्राइब कर चुके हों तो बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो अपडेट्स फटाफट से मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।